हेलो बच्चों मैं मधुमाला आप सभी बच्चों का हार्दिक दिल से स्वागत करती हूं हमारी आज की इस कक्षा में तो आज हम कक्षा नौ की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग एस एक से पढ़ने वाले हैं एक कविता जिसका शीर्षक है मेघ आए और जिसके कवि हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अब बच्चों जैसा कि शीर्षक स्वयं ही अपने बारे में सारी विस्तृत जानकारी दे रहा है मेघ आए अर्थात बादल घिर आए लेकिन इस कविता में आगे बढ़ने से पूर्व हम कवि परिचय को सर्वप्रथम जान लेते हैं तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हुआ था और वे दीनमान पत्रिका के उप संपादक भी रहे और पराग बाल पत्रिका जो है उसका भी उन्होंने वे संपादक थे इस पत्रिका के वे कवि लेखक पत्रकार और एक नाटककार भी रहे आइए जानते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं खूटियों पर टंगे लोग ये एक काव्य संग्रह है पागल कुत्तों का मसीहा ये एक लघु उपन्यास है बकरी ये एक नाटक है और बतूता का जूता ये एक बाल साहित्य है इसमें कई ऐसी और रचनाएं शामिल हैं साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें सन उन्नीस में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया तो बच्चों अब देरी किस बात की शुरू करते हैं हम अपनी कविता मेघ आए बच्चों इस कविता का सर्वप्रथम मैं कविता वाचन करूंगी साथ ही साथ इसके भावार्थ पर हम चर्चा करेंगे और फिर इससे संबंधित प्रश्नोत्तर शब्दार्थ इत्यादि पर भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी कविता मेघ आएगा मेघ आए बड़े बंठन के सवर के आगे आगे नाचती गाती बयार चली दरवाज़े खिड़कियां खुलने लगी गली गली पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के मेघ आए बड़े बंठन के सवर के तो बच्चों सर्वप्रथम तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस बात का चित्रण किया है कि कैसे प्रकृति में यानी मेघ जब आते हैं जब भीषण गर्मी होती है और जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है लोगों की आस बंद जाती है उम्मीद जग जाती है तो जिस प्रकार से बादल का यहाँ पर स्वागत किया जाता है इसकी तुलना उन्होंने जैसे गांव में लोग जब रहते हैं वहाँ ग्रामवासी जो होते हैं तो वहाँ पर यदि कोई बाहर का अतिथि आता है जैसे कोई दामाद आता है विशेष करके दामाद मैं इस, इसका नाम क्यों ले रही हूँ क्योंकि जो कोई कोई महिला जिसका पति शहर में रहता है कई सालों से गांव नहीं आया है या मिलने नहीं आया है तो जब उसके आने की सूचना मिलती है तो जिस प्रकार की प्रसन्नता की एक लहर छा जाती है उसी की तुलना कवि ने प्राकृतिक चित्रण किया है हमारे मेघ के साथ तो यहाँ पर जो प्राकृतिक चित्रण किसका किया गया है मेघ का जिस प्रकार से बादलों के आने पर हर तरफ हर्षो उल्लास का माहौल होता है खुशी छा जाती है वैसे ही तुलना होती उसकी तुलना किससे की है दामाद के घर गांव के दामाद के साथ क्योंकि गांव का ऐसा परिवेश होता है कि यदि किसी घर का किसी घर का सदस्य अगर जैसे पाहुन किसको कहा जाता है अतिथि को तो अगर कोई दामाद आने वाला होता है तो उस विशेष घर में ही सिर्फ प्रसन्नता नहीं रहती पूरे गांव वाले उसका स्वागत करने के लिए उत्सुक रहते हैं तो उसी का उसी के बारे में कवि ने यहाँ बताया है कि मेघ आए बंठन के सवर के यहाँ पर देखिए मेघ का मानवीयकरण किया गया है किसके साथ अतिथि के साथ यानी किसके दामाद के साथ तो मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के आगे आगे नाचती गाती बयार हैं बयार किसे कहते हैं हवा को पवन को वायु को दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली पाहुन जीव आए हो गांव में शहर के ऐसा लगता है कि कोई अतिथि जो बहुत दिनों बाद शहर से अपने घर आया हो या ससुराल आया हो मेघ आए बड़े बंठन के तो उनकी तुलना अतिथि की तुलना मेघ से की गई है कि मेघ भी बड़े बंठन के आए हैं क्योंकि मेघ के भी विभिन्न रूप होते हैं तो चलिए इस इन पंक्तियों का भावार्थ जानते हैं कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि बादल रूपी प्रवासी मह, मेहमान बड़े सच के आ गए हैं उन बादलों की सूचना देने वाली हवा अर्थात बयार जिसे मैंने कहा था हवा नाचती गाती चली आ रही है उसके आने से मकानों के बंद दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी अब यहाँ पर जो बयार है यानी हवा जो है उसकी तुलना किससे की है इसकी तुलना उन किशोरियों से की गई है जो जो अतिथि के आने की जो खबर होती है जब उनको सूचना मिलती है तो वो किस प्रकार से खुशी के साथ नाचती गाती और गांव में सबको सूचित करते हुए चली जाती हैं तो इसी प्रकार से यहाँ पर उनकी तुलना हवा से की जा रही है कि हवा भी अपने अतिथि का अर्थात मेघों का स्वागत करते हुए वह लहरा रही है खुशी के साथ प्रसन्नता के साथ ऐसा लगता है कि शहर से आए मेहमान मेहमान कौन दामाद क्योंकि विशेषकर दामाद का बहुत ही ये विशेष आतिथ्य होता है ठीक है उन्हें बहुत विशेष आतिथ्य से नवाजा जाता है और उसे देखने के लिए क्या हो रहा है गांव में गांव में गली गली में बंद दरवाजे और खिड़कियां खोली जा रही हैं ताकि घरों के लोग इस शहरी मेहमान को देख सकें इस तरह मेघ गांव में मेहमान की तरह सच धज कर आ गए हैं देखिए कितना अच्छा चित्रण यहाँ पर किया गया है कि जिस प्रकार से जो मेघ हैं वो एक दामाद के रूप में जब इलाके में आते हैं तो उनके उनका स्वागत सर्वप्रथम कौन कर रही है बयार कर रही है हवा कर रही है सबको सूचित करते हुए जा रही है प्रकृति में कि देखो मेघ आने वाले हैं और इस, इस इसका रूपांतरण कैसे कवि ने हमको समझाया है कि जैसे ग्रामीण इलाकों में जब कोई दामाद आता है अपने घर तो क्या होता है एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है लोग वहाँ की जो औरतें हैं वो अपने खिड़कियों दरवाजों से उसकी एक झलक पाने के लिए वो आतुर रहती हैं। वो चाहती हैं कि उस विशेष अतिथि के एक झलक मिल जाए तो इस तरह मेघ गांव में मेहमान की तरह सच कर आ गए हैं आगे बढ़ते हैं पंक्तियों में पेड़ झुक झाकने लगे गर्दन उचकाए आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए बांकी चितवन उठा नदी ठिटकी घूंघट सर के मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के तो बच्चों अब क्या हुआ किशोरियों की तुलना तो पवन से की गई सर्वेश्वर द्वार सक्सेना जी ने क्या किया है उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रकृति में मेघ के आने पर प्रसन्नता होती है तो उस प्रसन्नता को कौन जाहिर कर रहा है आगे आगे कौन नाच रहा है हवा नाच रही है सबको सूचित कर रही है प्रकृति में एक अजीब सी आनंद चारों तरफ बिख बिखेर रही है अब आगे की पंक्तियों में उन्होंने हमें बताया है कि पेड़ लगे, गर्दन उचकाए उचकाए का अर्थ होता है ऐसे उछल उछल के ऊपर ऊपर करके तो यानी जब, जब, जब आपका जो ज, ज, जो कद है छोटा है और आप किसी को देखना चाहते हो और आगे कोई बड़ा आदमी खड़ा हो जाए तो आप नहीं देख पाते तब आप क्या करते हैं आप भी अपनी गर्दन उचकाते हैं आप भी इधर उधर ऊपर से ऐसे करके देखने की कोशिश करते हैं तो इसकी तुलना कवि ने ये की है कहा है कि उस बादल रूपी मेहमान का स्वागत करने के लिए पेड़ भी अपना गर्दन उचका रहे हैं यानी किसी तरह से उसके दर्शन पाना चाहते हैं आंधियाँ चलने लगी और क्या होने लगा आंधियाँ चलने लगी और आंधियों के चलने से क्या हुआ धूल भागी घाघरा उठाए यानी वो लड़कियाँ जब आंधी तूफान चलता है तो क्या होता है कि तो लड़कियां अपने घाघरा को समेटे हुए पकड़े हुए भागती हैं तो इसी चीज का चित्रण यहां पर किया है और यह बताया है कि बाकी चितवन उठा यानी लोग अपनी चितवन उठा का बाकी चितवन का अर्थ होता है तिरछी नज़र से तिरछी नज़र यानी हम अपने आँखों के एक कोने से किसी की झलक पाते हैं पर प्रत्यक्ष रूप से उसे देख देख नहीं सकते क्योंकि बच्चों गाँव का परिवेश ही ऐसा होता है गाँव की औरतें प्रत्यक्ष रूप से किसी भी अजनबी से सामना सामनी बातचीत नहीं करती हैं तो वो क्या करती हैं खिड़कियों की ओट में छुप करके उसे देखती हैं कैसे तिरछी नजरों से और यहाँ कहा है नदी ठिटकी घूंघट सर के यानी नदी भी रुक गई है और वो घूंघट हटा के घूगट जो होते ना गांव में औरतें ऐसे डालती हैं अपने पल्लू को नीचे तक सरका के तो नदी क्या कह रही है नदी कर रही है कि वो अपने घूंघट को हटा करके किसका स्वागत कर रही है किसे देखने की चेष्टा कर रही है बादल को बादल रूपी मेहमान को मेघ आए बड़े बंठन के सवर के अर्थात यहाँ पर ये ऐसा क्यों लिखा गया है कि मेघ आए बंठन के क्योंकि आप देखते हैं बच्चों की जो आकाश में मेघ छाए होते हैं उसके विभिन्न आकार होते हैं विभिन्न रूप होते हैं विभिन्न जो रंग होते हैं आप देख सकते हैं उसे आप अभी भी जब आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के बादल नजर आएंगे तो वहाँ पर यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि बादल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक अतिथि के रूप में बड़े ही सज सवर के आए हैं क्योंकि बादलों से क्या निकलता है बादलों से ही हम इंद्रधनुषी छटा को निहार सकते हैं कितने विभिन्न उसमें रंग होते हैं तो ये अलग अलग रूप यहाँ पर बादलों के बताए गए हैं आइए इसका भावार जानें अब कवि कहते हैं कि बादलों के आने की सूचना हवा से मिल जाने पर पेड़ भी खुशी से झूम रहे हैं और सिर झुकाकर देखते हुए ही गर्दन ऊंची कर रहे हैं अर्थात हवा के चलने से पेड़ कुछ झुक रहे हैं फिर सीधे खड़े हो रहे हैं आंधी चलने से गलियों की धूल उड़ने लगी है इससे ऐसा लग रहा है जैसे गांव की कोई युवती अपना घाघरा उठाए भागी जा रही है नदी कुछ रुककर बादलों को उसी प्रकार देखती देखने लगी जिस प्रकार गांव की कोई स्त्री मेहमान को देखने के लिए अपने घूंघट को थोड़ा सा हटाकर और लज्जा सहित नेत्रों को कुछ तिरछा करके देख देखने लगी हो इस प्रकार बादल मेहमान के रूप में सच धज कर गाँव में आ गए तो जैसा कि मैंने आपको बताया अलग अलग यहाँ पर रूपों का चित्रण किया गया है किस प्रकार से जब बादल रूपी मेहमान आते हैं तो नदी पेड़ हवा कैसे उसका स्वागत करते हैं बिल्कुल ठीक वैसे ही करते हैं जिस प्रकार से यदि गांव में कोई दामाद आ जाता है तो ठीक है वैसा ही स्वागत यहाँ प्रकृति अपने मेहमान का कर रही है किस मेहमान का बादलों का ठीक है पेड़ भी झुक के नमस्कार कर रहे हैं उचक उचक के अतिथि को देखने की चेष्टा कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर चुहार की बरस बाद सुधी बोली अकुलाई लता ओट की होक किवार की वार हर की हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के मेघ आए बड़े बंठन के सवर के तो बच्चों यहाँ पर ये बताया गया है कि पीपल का पेड़ है वो बहुत पुराना होता है उसकी आयु लंबी होती है तो इसीलिए वो काफ़ी वर्षों का वो पुराना पेड़ होता है तो यहाँ पर कैसे गांव में बड़े बूढ़े लोग जब आतिथ्य के लिए खड़े होते हैं या दूसरे लोगों का आतिथ्य का स्वीकार करते हैं तो उसे नमस्कार करते हैं उसी प्रकार प्रकृति में पीपल का पेड़ भी अपने अतिथि को अर्थात बादल को झुक नमस्कार कर रहा है चलिए आगे देखते हैं इसका भावार्थ कवि कहते हैं कि सजे धजे मेहमान के रूप में बादल की आ, बादल को आया देकर बूढ़े पीपल ने गांव के बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति के रूप में इस मेहमान का अभिवादन या स्वागत किया गर्मी से व्याकुल लता ने दरवाजे की ओट में होकर के उलाहना देते हुए होता है शिकायत करते हुए कहा कि तुम्हें पूरे एक साल बाद मेरी याद आई मेघ को सच धज कर आए मेहमान रूप में देखकर तालाब प्रसन्न हो उठा और वह परात में पानी भरकर मेहमान के पैर धोने हेतु लेकर आया तो बच्चों जो जो लताएं होती है, जिसे हैं जिसे हम क्रीपर्स कहते हैं तो वो लताएं उलाहना भरे स्वर में यह मेघ को कह रही है क्योंकि वर्षा ऋतु तो साल में एक बार होती है तो बोलिए कि एक साल बाद तुम्हें मेरी याद आई तो यहाँ पर वो शिकायत कर रही है और ये कह रही है कि अब तुम एक साल बाद वो तुम्हें मेरी याद आई है और अब मेघ जो हैं वो सज धज के मेहमान का रूप लेकर के आया है ये देख कर के तालाब बहुत प्रसन्न हुआ और वो क्या लेकर आया वह परात में परात का मतलब होता है थाली जैसे गांव में लोग जो मेहमान आते हैं उनके पैर धोते हैं ये उनकी परंपरा है तो उसी प्रकार प्रकृति में भी ये बताया गया है ये चित्रण किया गया है कि तालाब क्या है वह परात रूपी जो जो जल उसमें लेकर आया है किसके मेहमान के पैर धोने के लिए क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के मेघ आए बड़े बंठन के सवर के क्षितिज क्षितिज क्या होता है बच्चों वो स्थान होता है जहाँ हमें ऐसा लगता है कि कहीं दूर जमीन और आसमान एक होते से प्रतीत होते हैं परंतु ऐसा होता नहीं है तो क्षितिज रूपी अट्टारी पर यहाँ पर वो अट्टारी अट्टारी का मतलब वो झरोखा वहां पर क्या हो रहा है बिजली चमक रही है ठीक है और लोगों के भ्रम भी अब टूट रहे हैं क्योंकि लोगों को भ्रम था कि बादल आते तो हैं लेकिन बिना बरसे कहीं चले ना जाए तो इसी बात इसी बात के बारे में यहाँ बताया गया है चलिए अब भावार्थ की ओर चलें इन पंक्तियों का अर्थ है कि अभी तक प्रेमिका को अपने प्रियतम के आने की खबर भ्रम लग रही थी लेकिन जब वो आकर घर की छत पर मिलने चले आते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठती है उन्हें देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है और वह मन ही मन प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है फिर आपसी मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं जैसे बहुत दिनों के बाद किसी से मिलते हैं तो हम कैसे अपने गिले शिकवे दूर करते हैं तो यही हाल यहाँ पर जो लताएं हैं और जो लता और जो बादल हैं वो अपनी शिकायतें दूर कर रहे थे और मिलन की घड़ी को निकट पाकर के अश्रु उनकी आंखों से झरझर बह रहे थे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता भी है कि पूरा आसमान बादलों से ढका है और बिजली चमकने लगी है इससे हमारे मन की यह आशंका दूर हो गई है कि वर्षा नहीं होगी इस विचार के साथ ही बादलों से बरस बरसात होने लगती है और इस तरह जल बरसाते हुए बादल आकाश में बहुत ही सुंदर लगते हैं क्योंकि लोग बादल जब बरसने लगे तो सभी लोगों के भ्रम टूट गए तो बच्चों उम्मीद करती हूं कि आपको यह कविता भली भांति समझ में आ गई होगी चलिए एक नजर डालें अब शब्दार्थों पर मेघ अर्थात बादल घन बन ठन के अर्थात सज के संवर के बयार, जैसा मैंने आपको बताया था हवा पवन बाकी चितवन अर्थात सुंदर तिरछी दृष्टि पाहुन किसे कहा जाता है मेहमान को अतिथि को जुहार यानी झुक करके नमन करने की ये प्रक्रिया अभिवादन करना किसी का सुधी अर्थात याद करना अकुलाई अर्थात बेचैन हुई व्याकुल हुई किवार किवार अर्थात किवार दरवाजा हर्षाया अर्थात प्रसन्न हुआ ताल अर्थात तालाब क्षितिज धरती आकाश का आभासित मिलन स्थल दामनी अर्थात बिजली भ्रम अर्थात भ्रम गलत गलतफहमी अश्रु यानी आंसू और ढरक का मतलब गिरे जैसे आंसू ढरक पड़े अर्थात आंसू गिर पड़े आइए देखें अब प्रश्न उत्तर पहला प्रश्न है बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए तो इसका उत्तर होगा बादलों के आने पर प्रकृति के निम्नलिखित क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है पहला पहला कौन सा जो क्रिया है बादल मेहमान की तरह बनठन कर और सच धज कर आए हैं दूसरी क्रिया है उसके आगमन की सूचना देते हुए आगे आगे बयार चलती है तीसरी क्रिया है उनके आगमन की सूचना पाते ही लोग अतिथि सत्कार के लिए घर के दरवाजे तथा खिड़कियां खोल देते हैं चौथा है आंधी के आने से धूल का घाघरा उठाकर भागना यह भी एक क्रिया है पांचवा है ग्रामीण स्त्री के रूप में लता का किवाड़ की ओट से देर से आने पर क्या करना उलाहना देना अर्थात शिकायत करना तालाब आ, अगला पॉइंट है तालाब मानो स्वागत करने के लिए परात में क्या लेकर आता है पानी लेकर आता है इसके बाद आकाश में बिजली चमकने लगी तथा वर्षा के रूप में उसके मिलन के अश्रु स्वतः बहने लगे अगला प्रश्न है लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों लता ने लता जो इंतजार कर रही थी एक साल से वर्षा होने का तो उसने कैसे देखा आइए जानते हैं लता अपने प्रियतम से मिलने के लिए आतुर थी बड़ों से लज्जा तथा संकोच कारण के कारण वह सबके सामने आकर मेहमान से नहीं मिल सकती थी अतः अपनी व्याकुलता मिटाने तथा मन को तसल्ली देने के लिए लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर से देखा किवाड़ किसे कहते हैं दरवाजे को अगला प्रश्न है लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा सॉरी कविता में आए मानवीयकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोज कर लिखिए यानी जितना भी मानवीयकरण किया गया है इस कविता में उसका रूपक अलंकार हमें खोज के लिखना है तो इसका उत्तर है कविता में प्रयोग हुए मानवीयकरण अलंकार कौन कौन से हैं पहला है आगे आगे नाचती बयार चली यहाँ बयार का स्त्री के रूप में मानवीयकरण किया गया है दूसरा है मेघ आए बड़े बन के सवर के यानी मेघ तो मेघ होते हैं पर उसका मानवीयकरण किससे किया गया है एक अतिथि के रूप में तो मेघ का दामाद के रूप में मानवीयकरण इस कविता में हुआ है तीसरा है मेघ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए यानी ऐसा लग रहा है कि पेड़ों को नगरवासी के रूप में यहाँ पर मानवीयकरण करके चित्रित किया गया है धूल भागी घाघरा उठाए धूल का स्त्री के रूप में मानवीयकरण किया गया है बूढ़े पीपल के आगे बढ़कर जुहार की पीपल का पुराना वृक्ष गांव के किस किसके कि, किसका मानवीयकरण किया गया है गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के रूप में इसका मानवीयकरण किया गया है अब बच्चों आगे बढ़ते हैं कविता में जो प्रयोग हुए हैं रूपक अलंकार जैसे क्षितिज अटारी अर्थात यहाँ क्षितिज को अटारी के रूप में उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है दूसरा है बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के झरझर मिलन के अश्रु द्वारा बारिश को पानी के माध्यम से यहां प्रस्तुत किया गया है उम्मीद करती हूं बच्चों कि आप लोगों को हमारा आज ये पाठ मेघ आए भली भांति समझ में आया होगा और इसी के साथ आज हम यहीं पर इसे समाप्त करते हैं धन्यवाद